मेहनत इतनी खामोशी से करो कि मेहनत खुद ही शोर मचाए। हार्दिक स्वागत है आप सभी का इस टीचर स्वर में। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे अम्ब्रेला गाउन स्टिचिंग, जो हमने साड़ी से कटिंग किया है, इसके कटिंग इसके ड्राफ्टिंग और कटिंग का लिंक यहाँ दिया हुआ है। आप सबसे पहले कटिंग का वीडियो देखें, उसके बाद स्टिचिंग का वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं स्टिचिंग। चलिए शुरू करते हैं अम्ब्रेला गाउन का स्टिचिंग। हमने साड़ी से अम्ब्रेला गाउन का कटिंग किया है। अम्ब्रेला गाउन कटिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले इसके कटिंग का वीडियो देखें, उसके बाद इसके स्टिचिंग का वीडियो देखें। तो हमेशा की तरह हम सबसे पहले नेक तैयार करेंगे। ये हमने अस्तर वाला कटिंग किया है। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये हमारा फ्रंट भाग है। हमने नेक का मार्किंग किया हुआ है नॉर्मल तरीके से, जैसे हम एक साइड को इस तरीके से कपड़े को डबल करते हुए हम नेक का मार्किंग कर लेते हैं। उसके बाद कपड़े को हम इस तरीके से खोल लेते हैं और बिल्कुल सेंटर से हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे और हल्का सा इस तरीके से थपथपा देंगे तो ये दूसरे तरफ भी हमारे नेक का सेम मार्किंग आ जाएगा। और हमने अपने कपड़े के सीधे भाग में, ये अंदर जो है सीधा है हमारा कपड़ा, जो साड़ी वाला पार्ट है, तो हमने सीधे भाग में अपने अस्तर को रखा, नेक का मार्किंग कर लिया है। वो आपका अपना चॉइस है कि आप कैसा नेक बनाना चाहते हैं। हमने इसमें राउंड नेक कटिंग करना है। हमने कर लिया है अस्तर के साथ पूरा मार्किंग और पिनअप कर लिया है चारों तरफ से, ताकि हमारा मेन फैब्रिक और अस्तर एक साथ सिक्योर रहे, कहीं से भी हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब क्या करेंगे, जैसा हमारा मार्किंग है बिल्कुल मार्किंग पे हम स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग करने का तरीका, यहाँ नेक के सेंटर से एक साइड को हम रेडी करेंगे, उसके बाद फिर सेंटर से सिलाई शुरू करेंगे और दूसरे साइड को सिल लेंगे। उसके बाद क्वार्टर इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जहां आपने स्टिच किया है वहां से अंदर की तरफ क्वार्टर इंच का मार्जिन छोड़ते हुए आप इसे कटिंग कर लेंगे। उसके बाद पूरे गोलाई में नेक के छोटा छोटा हम कट डाल देंगे और इसको उल्टे साइड के तरफ अपने अस्तर के हिस्से को पलट देंगे और ऊपर से एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। चलिए हम इतना काम करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये देख सकते हैं हमने फ्रंट और बैक दोनों का नेक तैयार कर लिया है। उल्टे साइड अपने अस्तर को फोल्ड करते हुए हमने नेक पे टॉप स्टिच भी लगा दिया है, ताकि हमारा अंदर जो है मार्जिन अच्छे से सेट रहे। अब हम क्या करेंगे, जैसे आप देख रहे हैं हमने कपड़े को सीधा कर लिया है, अस्तर हमारा अंदर की साइड फोल्ड हो चुका है नेक रेडी होके। अब हम क्या करेंगे, चारों तरफ से सीधे साइड से अस्तर और मेन फैब्रिक को सिक्योर कर लेंगे पिन करके, या आप सुई धागे से कच्चा कर लीजिए। उसके बाद मशीन में बड़ा टांका करेंगे और चारों तरफ से अपने अस्तर और मेन फैब्रिक को हम एक साथ अटैच कर लेते हैं। ये देख सकते हैं हमने अपना फ्रंट और बैक रेडी कर लिया है। शोल्डर भी ज्वाइंट हो गया है हमारा और साइड का फिटिंग भी हमने
कर लिया है। अब हम स्कर्ट का पार्ट तैयार करेंगे। सबसे पहले अस्तर तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं हमने टोटल कमर से जितना एक्स्ट्रा लिया था, टोटल वेस्ट राउंड प्लस मार्जिन जितना भी आप लेना चाहते हैं, मैंने यहाँ पर हाफ इंच लिया है। उसके बाद हमने हिप के लूजिंग के लिए, टाइट ना हो अस्तर अंदर से, इसलिए हमने ये लूजिंग लिया था, उसका मार्किंग किया है इस तरीके से। एक एक इंच पे हमने मार्क कर लिया है। इस वीडियो में मैं अस्तर में एक अलग तरीके से आपको प्लेट्स भरना बताऊंगी। ये देख सकते हैं हमने जितना मार्जिन लिया था वो टोटल मार्जिन को एक एक इंच पर गैप देते हुए, जैसे एक इंच का हमने यहाँ मार्क किया, फिर एक इंच का सेंटर में गैप देते हुए हमने ये इतना मार्किंग किया हुआ है, जितना भी हमारा लूजिंग के लिए हमने एक्स्ट्रा लिया था। और दो इंच कमर के हिस्से से हमने 2-2 इंच पे सभी का लेंथ करते हुए, नीचे भी 1 इंच का गैप देते हुए, जहां जहां हमें स्टिच करना है प्लेट को, हमने मार्क किया हुआ है। दोनों साइड एक पार्ट के अस्तर में दोनों साइड हम सेम वैसे ही कर लेंगे। ये हमारा सेंटर से फोल्ड हिस्सा है और ये साइड से ओपन हिस्सा है, तो हमें सेंटर से कुछ गैप देना है। आप 2 इंच दे सकते हैं, 3 इंच दे सकते हैं। यहाँ सेंटर से हमने यहाँ पर गैप दिया है 3 इंच का, ये देख सकते हैं 3 इंच का गैप है। उसके बाद से हमने ये प्लेट्स का जो है मार्किंग किया हुआ है। अब इसको सिलने के लिए पिछले वीडियो में जो मैं बताई हूँ प्लेट्स भरना, वो अलग तरीके का है। इस तरीके से जो हमारा 1 इंच का गैप है, बिल्कुल उसके सेंटर से इस तरीके से जब आप सेंटर करेंगे तो दोनों साइड के मार्क इस तरीके से, ये नीचे के हिस्से का भी और ऊपर के हिस्से का भी, इस तरीके से आमने सामने मिल जाना चाहिए। और इसको सीधे सिलेंगे, हमें बिल्कुल कोई तिरछा इसमें स्टिचिंग नहीं करना है। इस तरीके से मार्किंग दोनों साइड का बराबर करेंगे और इसे सीधे ही स्टिच करेंगे जैसा हमने मार्क किया है। ये 2 इंच तक करेंगे, यहाँ लाके हम सिलाई को लॉक कर देंगे। एक स्टिच करके मैं दिखाती हूँ आपको कि ये कैसा दिखेगा। ये देख सकते हैं हमने 2 इंच लंबाई का ये 2 प्लेट्स लगा लिए हैं। इस तरीके से सीधा सिलाई किया है, हमें कोई तिरछा सिलाई नहीं करना इसमें, और सीधे साइड से ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये बहुत सुंदर लगेगा। चाहे आपका मेन फैब्रिक हल्का भी हो तो भी ये देखने में बहुत सुंदर लगेगा इस तरीके से। जब आप पहनोगे तो इस तरीके से ये खुल जाएगा प्लेट और आपके हिप के पास बहुत ही कंफर्टेबल लगेगा। इसी तरीके से हम अपने फ्रंट बैक दोनों ही अस्तर को तैयार कर लेते हैं सभी प्लेट्स लगाकर। हमने फ्रंट बैक दोनों तैयार कर लिया है प्लेट्स लगा के। अब हम क्या करेंगे, जो हमने प्लेट्स लगाया है उसका जो मार्जिन है, इस तरीके से सेंटर से इस तरीके से फ्लैट कर देंगे और एक स्टिच लगा के, कच्चा स्टिच लगा लें। इस तरीके से सभी प्लेट्स को इस तरीके से उल्टे साइड से फ्लैट कर दीजिए। सेंटर से आधा मार्जिन इधर होना चाहिए और इधर आधा होना चाहिए। इस तरीके से फ्लैट करके स्टिच लगा लीजिए। और सबसे पहले हम अपने अस्तर को
रेडी कर लेते हैं अपने वेस्ट राउंड के हिसाब से। इस तरीके से पहले सिलाई लगाएंगे, फिर आपका जो भी वेस्ट राउंड हो उसके हिसाब से इस तरीके से मिलाएं दोनों को। सीधे से सीधा अंदर होना चाहिए और उल्टा हिस्सा इस तरीके से ऊपर की तरफ होना चाहिए। और हम अपने कमर का मार्किंग कर लेंगे पूरे राउंड का, उसके बाद साइड से फिटिंग कर लेंगे, उसके बाद जो नीचे का घेर है उसे हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करते हैं। उसके बाद हम मैं बताऊंगी कि टॉप पार्ट और ये हमारा अस्तर का पार्ट और मेन फैब्रिक कैसे हम एक साथ अटैच करेंगे। हमने अस्तर नीचे से घेरे को भी फोल्ड करके रेडी कर लिया है। जैसा मैंने बताया ये प्लेट्स के जो मार्जिन थे उसको सेंटर से इस तरीके से फ्लैट करते हुए हमने एक स्टिच लगा के सेट कर लिया है। आप कटिंग का वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा कि हमने जो वेस्ट लाइन से नीचे अम्ब्रेला कटिंग किया है गाउन के लिए घेरे का पार्ट, जो लेंथ कम पड़ा था हमने अलग से कली कटिंग किया था, इस तरीके से हमने ज्वाइंट कर लिया है, इंटरलॉक भी कर लिया है फ्रंट बैक दोनों को। अब इसे भी जैसे हमने अस्तर का पार्ट रेडी किया है सेम उसी तरीके से वेस्ट राउंड का मार्किंग करेंगे इसमें भी, और इसे भी पूरे तरीके से तैयार कर लेंगे। और ध्यान रहे रेडी करते हुए टॉप पार्ट को, ये जो मेन फैब्रिक है उसको, कि कमर का राउंड बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, नहीं तो आपको जब टॉप पार्ट में आप ज्वाइंट करोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, आपको सिलाई खोलना पड़ जाएगा। इस चीज का ध्यान रखते हुए इसका भी हम वेस्ट राउंड का फिटिंग करेंगे सेम जैसे हमने अस्तर वाले हिस्से को नीचे से फोल्ड किया है। हो सकता है आपको परेशानी हो तो इसके दो तरीके हैं फोल्ड करने को। पहला तरीका तो ये है कि आप इस तरीके से सिंगल फोल्ड करें, पूरे घेरे में एक स्टिच लगा लें, उसके बाद फिर डबल फोल्ड करें उसको और तब स्टिच लगाएं। अगर आपको दिक्कत होती हो तो इस तरीके से फोल्ड करें, और आप फोल्ड कर पा रहे हैं तो इस तरीके से एक ही बार में डबल फोल्ड करते हुए जितना आपने मार्जिन लिया है फोल्ड का उतना मार्जिन के साथ आप फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए और घेरे को तैयार कर लीजिए। ये हमारा टॉप पार्ट भी तैयार हो चुका है और स्कर्ट का पार्ट भी जो वेस्ट लाइन से नीचे हमें ज्वाइंट करना है उसे भी हमने तैयार कर लिया है। कमर का हिस्सा, अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को एक साथ रखते हुए उल्टे साइड से हमने अटैच कर लिया है।
स्कर्ट का घेरा भी हमने नीचे से फोल्ड करके रेडी कर लिया है। ये देख सकते हैं हमने एक ही साथ डबल फोल्ड कर लिया है और थोड़ा थोड़ा अंदर जब फोल्ड करेंगे तो इस तरीके से हल्का हल्का प्लेट्स देते जाएंगे, पर आपको सीधे साइड से एकदम फिनिशिंग नजर आएगा। कहीं से भी आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि हमने प्लेट्स डाला है अंदर की तरफ। जब हम अम्ब्रेला कटिंग करते हैं तो ये इस तरीके से ही हमें फोल्ड करना होता है। अब हम अपने टॉप पार्ट को और स्कर्ट पार्ट को एक साथ ज्वाइंट करने के लिए हमें क्या करना है, अपने स्कर्ट के पार्ट को उल्टा रखना होगा। ये हमने वेस्ट लाइन से नीचे का हिस्सा जो है उल्टा कर लिया है। अपना टॉप का पार्ट हम सीधा रखेंगे। जो स्कर्ट का पार्ट है, फ्रंट बैक दोनों बराबर है, तो आप अपने फ्रंट को किसी भी साइड रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से हम अंदर की तरफ डाल देंगे और जो कमर का हिस्सा है ऊपर की तरफ होना चाहिए टॉप पार्ट का। ये देख सकते हैं हमने अपने टॉप पार्ट को सीधा रखा और जो स्कर्ट का पार्ट है वो उल्टा हमने रखा है। और जो फिटिंग का हिस्सा है अपने स्कर्ट पार्ट के फिटिंग के हिस्से के साथ इस तरीके से मैच करेंगे, बिल्कुल बराबर होना चाहिए, कहीं से भी छोटा बड़ा ना हो। ऐसा ना हो कि जो आपका फिटिंग का सिलाई है एक टॉप पार्ट का इधर हो जाए और स्कर्ट पार्ट का इधर हो जाए, तो आपको ज्वाइंट करते हुए बहुत प्रॉब्लम होगा, सिलाई भी खोलना पड़ सकता है। इस तरीके से मैच करते हुए आप पिन लगा लें ताकि आपको स्टिचिंग करते हुए कोई दिक्कत ना हो। ये देख सकते हैं हमने अपने टॉप पार्ट में भी इस तरीके से दोनों को फोल्ड करते हुए सेंटर कर लिया है और हमारे स्कर्ट के पार्ट में भी हमने सेंटर किया हुआ है। तो जब हम दोनों को ज्वाइंट करेंगे तो इस तरीके से सेंटर से सेंटर इस तरीके से मिलना चाहिए। ये देख सकते हैं मेरा परफेक्ट मिल रहा है, ये है सेंटर और ये है साइड का स्टिचिंग। दूसरे साइड भी इसी तरीके से मिला लेंगे तो आप पिनअप कर लें अपने टॉप पार्ट को और स्कर्ट पार्ट को, उसके बाद आप सिलाई करें, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं यहाँ पर इसी तरीके से एक फिटिंग के साइड सिर्फ पिन करूंगी, उसके बाद चारों तरफ मिलाते हुए मैं स्टिच कर लूंगी पूरे वेस्ट राउंड में। मार्जिन का ध्यान रखें, कटिंग के समय जितना आपने मार्जिन लिया है स्टिचिंग के लिए उतना मार्जिन लेते हुए आप पूरे अपने राउंड को स्टिच कर लें। ये हमारा एक साइड ज्वाइंट हो चुका है, कहीं से भी हमारा कपड़ा श्रिंक नहीं हुआ है, ना ही कोई पार्ट छोटा या बड़ा हुआ है। अब हम सेम इसी तरीके से दूसरे साइड का भी ज्वाइंट कर लेते हैं। ये हमारा टॉप पार्ट और नीचे का स्कर्ट का पार्ट ज्वाइंट हो चुका है। अब इसे हम इंटरलॉक कर लेंगे ताकि कपड़े का धागा खुले ना। कहीं से भी कपड़ा छोटा बड़ा है तो आप उसे कट करके बराबर कर लें। ये हमने अपने टॉप पार्ट और स्कर्ट पार्ट दोनों को इस तरीके से बराबर मिलाते हुए इंटरलॉक भी कर लिया है। अब हम इसे सीधा करेंगे। देख सकते हैं ये हमारा फ्रंट का हिस्सा है और ये बैक का पार्ट है।
जो हमने नीचे से अपने घेरे को फोल्ड कर दिया है गाउन के, अपने साड़ी का बॉर्डर जो हमने कट करके निकाला था अलग, उसको इस तरीके से जो हमने मार्जिन कट किया था हाफ इंच का, उसको डबल फोल्ड करते हुए हमने स्टिच कर लिया है बॉर्डर को। अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से सीधे साइड से कहीं भी एक जगह से आप शुरू कर दीजिए सिलना, और इस तरीके से हम पूरे अपने घेरे के गोलाई में अपने बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। अटैच करते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम इस तरीके से बॉर्डर को रख के इसमें अटैच करेंगे, तो जो हमने अपने बॉर्डर को फोल्ड किया है ऊपर से मार्जिन के हिस्से को, उसी पे सिलाई चलना चाहिए। हमें यहाँ पर डबल स्टिच नहीं दिखाना है, क्योंकि फिनिशिंग नहीं फिर दिखेगा सिलाई में। चलिए अब हम मैं बॉर्डर को भी अटैच कर लेती हूँ, जैसा मैंने आपको इस तरीके से बताया कि सीधे साइड से ही बॉर्डर को रखेंगे, और जो फोल्ड का, जो मार्जिन का हिस्सा हमने फोल्ड करके बॉर्डर का स्टिच किया था, उसी स्टिचिंग पे हम एक दूसरे के ऊपर घेरे के पार्ट पे अपने बॉर्डर को ओवरलैप करते हुए सेम इसी स्टिच के साथ साथ हम स्टिचिंग कर लेंगे। अब हम बॉर्डर को अटैच करते हुए ये दूसरे साइड तक आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, पहले वाले को तो मैंने इस तरीके से डबल फोल्ड करके किनारे को स्टिच किया हुआ है, और जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसको इस तरीके से इसे भी हम डबल फोल्ड करेंगे, और ये दूसरे वाले बॉर्डर के ऊपर हम ओवरलैप करते हुए इस तरीके से यहाँ तक सिलाई करेंगे। फिर इस स्टिच को अपने कपड़े को घुमाएंगे और स्टिचिंग को पूरा नीचे तक लाके हम बॉर्डर को भी एक साथ अटैच कर लें। अब हम कपड़े को घुमा लेंगे इस तरीके से और बॉर्डर को डबल फोल्ड कर लेते हैं, और इस तरीके से पूरा नीचे तक सिलाई कर लेंगे। ये देख सकते हैं, बड़े ही फिनिशिंग से हमारा बॉर्डर भी गाउन के पूरे घेरे में अटैच हो चुका है। जो हमने मार्जिन फोल्ड किया था अपने बॉर्डर का, उसी पे हमने स्टिचिंग किया है, तो अलग से आपको दूसरी सिलाई भी नहीं दिखेगी और आपके बॉर्डर में फिनिशिंग भी आएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम स्लिप ज्वाइंट करते हैं उसी तरीके से हम स्लिप ज्वाइंट कर देंगे। स्लिप ज्वाइंट करने के लिए हमें अपने ड्रेस को उल्टा करना होगा। हमने ड्रेस को उल्टा कर लिया, स्लिप हमने तैयार किया हुआ है। ये हमने सिंगल पीस यानी वन पीस अम्ब्रेला कटिंग किया है। इस तरह के स्लिप का कटिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप जरूर देखिएगा इसे। और किनारे पे हमने सबसे पहले अपने स्लीव को रेडी करके और डबल फोल्ड कर लिया है नीचे का मोहरी का हिस्सा। उसके बाद जैसे हमने नीचे गाउन के घेरे में बॉर्डर लगाना बताया है, सेम उसी तरीके से हमने, ये देख सकते हैं कहीं से भी आपको अलग से सिलाई नहीं दिखेगी, एक ही स्टिच दिखेगा आपको, क्योंकि मैंने पहले वाले स्टिच के ऊपर ही दूसरा स्टिच लगा दिया है। इस तरीके से हमने बॉर्डर को अपने स्लीव में भी लगा लिया है मोहरी के पास। अब फ्रंट बैक का ध्यान रखते हुए हम अपने स्लीव को ज्वाइंट कर लेते हैं। ऊपर जो हमने रखा है ये हमारे टॉप पार्ट का फ्रंट का आर्म होल है जो गहराई में कटा हुआ है, तो हम स्लीव को भी इस तरीके से रख के देखेंगे। स्लीव को सीधा रखेंगे और अपने ड्रेस को उल्टा रखेंगे स्लीव को ज्वाइंट करते हुए, और इस तरीके से नेक के साइड से अपने स्लीव को अंदर डालेंगे। और सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने सेंटर कट दिया है अपने स्लीव का और हमारे शोल्डर का ज्वाइंट इस तरीके से,
एक दूसरे को मिलाते हुए पिन लगा लेंगे और एक बार मेजरमेंट ले लीजिए दोनों का कि क्या सही आ रहा है या नहीं। अगर आपका स्लीव या ड्रेस किसी कारणवश छोटा बड़ा होता है तो आप उसे खोल के ठीक कर लें, या ज्यादा हो रहा है तो स्टिच कर लें, एक दूसरे के बराबर कर लें। इस चीज का ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आपने मेजर नहीं किया और सिलाई करना शुरू कर दें तो आप फंस जाएंगे। इस तरीके से फिटिंग का स्टिच ड्रेस का भी और स्लीव का भी मिलाएंगे और एक बार इस तरीके से नाप के देख लेंगे ताकि हमें सिलाई के बीच में आपको स्टिचिंग खोलना ना पड़े। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हमें अच्छे से मिलाते हुए नाप लेना है। तो ये देख सकते हैं मेरा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, फिटिंग का हिस्सा स्लीव का भी और टॉप पार्ट का भी मैच कर रहा है। मैं यहाँ से सिलना शुरू कर दूंगी। अगर आपको दिक्कत होती है तो स्लीव जोड़ने का और भी तरीका है। आप यहाँ शोल्डर के पास से आधा हिस्सा ज्वाइंट कीजिए, फिटिंग के पास आइए, सिलाई यहाँ बंद कर दीजिए, उसके बाद फिर यहाँ शोल्डर के पास से सेंटर से सिलाई शुरू कीजिए और यहाँ फिटिंग के पास आ जाइए। दोनों ही तरीके सही हैं, इसमें जो आपको आसान लगे वैसे आप अपने स्लीव को ज्वाइंट कर सकते हैं। और जो भी मार्जिन है हम अपने बैक साइड के तरफ, जो हमारा बैक पार्ट है उसके साइड में इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। पहले एक बार फोल्ड किया इस तरीके से तिरछे में, फिर डबल फोल्ड कर दिया। स्लीव के भी हिस्से को हम इसी तरीके से फोल्ड करेंगे, पहले इस तरीके से तिरछा फोल्ड किया, फिर इस तरीके से उल्टा फोल्ड कर देंगे, इसको डबल फोल्ड कर देंगे, तब स्टिच करेंगे ताकि ये मार्जिन जो है हमारा वो स्लीव के ज्वाइंट में। धागे वगैरह साफ कर लेंगे। ये देखिए स्लीव जोड़ते हुए जो हमने अपने टॉप पार्ट के मार्जिन को और स्लीव के मार्जिन को हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया तो ये हमारे स्टिचिंग में ज्वाइंट में नहीं आया है, ये फ्री है। जब आप ड्रेस को पहनेंगे तो यहाँ बिल्कुल भी खिंचा खिंचा नहीं लगेगा। जब भी आप स्लीव और टॉप पार्ट को ज्वाइंट करें तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो टॉप पार्ट का मार्जिन है वो भी और स्लीव का मार्जिन दोनों को फोल्ड करते हुए हमें नीचे की तरफ कर देना है और ये फोल्ड जो है बैक साइड की तरफ होना चाहिए हमारे टॉप पार्ट के, या कुर्ती जो भी सिल रहे हैं तरीका सेम रहेगा। अब हम इसको सीधा करके इसका फाइनल लुक देखते हैं। साड़ी का रिपर्पज करके हमने गाउन तैयार कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत गाउन बन के तैयार हुआ है। कहीं भी कुछ समझने में परेशानी हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिए, मैं आपका आंसर जरूर दूंगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं तो इस वीडियो पे कमेंट करें, यानी अपनी राय दें। हमारे चैनल के बाकी वीडियो को देखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। हमारे चैनल के सभी नए अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।